जमीन बेच कर रखे 2 लाख रुपए लेकर भागी पत्नी, साले ने बेच दिया 2 लाख में। शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज एक युवक ने अपनी पत्नी को बेचने का आरोप साले पर लगाया है। युवक ने बताया कि उसकी पत्नी घर में रखे 2 लाख रुपए लेकर भाई के यहाँ गई थी, उसके बाद साले ने पत्नी को 2 लाख रुपए में बेच दिया। युवक ने बताया कि पत्नी को सुपुर्द नहीं किया गया, साथ ही रुपए भी बरामद नहीं किए गए, जिसके कारण हम काफ़ी परेशान बने हुए हैं। युवक ने एसएसपी से मांग की है कि उसकी पत्नी को वापस दिलाया जाए और साले सहित खरीदने वाले युवक पर कार्यवाही की जाए। क्या नाम है आपका? केदारी। क्या समस्या लेकर आए हो आप? मेरी पत्नी भाग गई। कब? 23 तारीख। उसके साथ चली गई। बंटी आया था लेने के लिए। कौन सा बंटी था? भागो भैया, मतलब आपकी पत्नी का भाई। हाँ हाँ। उसको ले गया था? हाँ हाँ। कहाँ ले गया था उसको? अपने बारी खड़ा नहीं ले गया था भाई, घर पर, मतलब घर पर प्रोग्राम था उसके लिए ले गया था। फिर क्या हुआ उसके बाद? बाकी बात मैं कहा दो दिन पीछे तो मिली नहीं है। तो कहाँ चले? कुछ नहीं। आप कहाँ? प्रोग्राम किस चीज़ का था? काय का कार्यक्रम था? सारे एक लड़की भैया थी। ठीक है, बारी खड़ा है मेरे पर ले आओ। अच्छा, फिर कान लेके कहाँ गया? ले गया टाणो मयूराम। ये कहाँ पड़ता है? यही तो इधर पता है जो थाना। कौन सा कसवा थाना? ठीक, फिर क्या उसके बाद क्या हुआ? आपने इसमें बेचने का आरोप लगाया है अपनी पत्नी को, किस पे लगाया है? कौन ने बेच दिया आपकी पत्नी को? बंटी ने। तो आपके साली ने उसकी बहन बेच दी? तो किसके साथ बेची है? कहाँ का रहने वाला है ये? मजूरा। तो ये कितने में बेची है? पैसे मालूम नहीं। तुम्हें जानकारी कैसे लगी कि उसने बेच दी है? कि तुम्हारी पत्नी भी तो उसकी मर्जी से जा सकती है ना। तुम कैसे आरोप लगा सकते हो कि उसने बेच दी? सूचना कहाँ पे मिली आपको कि ये आपके फादर ने? जिनके घर जाती वो बतराती। पुराना कोई संबंध नहीं था उनका उसके साथ में? पहला का था क्या? कहीं कोई प्रेम प्रसंग? पहले से जानती थी पत्नी तुम्हारी उसको? पहले से जानती थी इसलिए यहाँ गई है? अब पहले नहीं जानती थी, अब तो इनके घर वाले ने परिवार बेच दिए। मतलब जानते नहीं थी तो फिर पैसे से बेच दिया है ना। अब क्या चाहते हो आप? अब हम कार्रवाई चाह रहे हैं बाकी। ठीक है।